नमस्कार, मैं सरिता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अभ्यास के बारे में हम बात करते हैं तो अभ्यास जैसे मैं कहती हूँ कि आपको डेली करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अभ्यास में जो रेगुलरिटी है वो आपके स्वभाव से लेके आपके कामों में लयबद्धता लेकर आती है। आपके अभ्यास में भी लयबद्धता आएगी, एक जिसे कहेंगे कि एक रेगुलरिटी होने से एक रिदम बनता है, तो वो आपके मन और शरीर दोनों में बनता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आप देख पाएंगे। तो आज के अभ्यास में हम कुछ, क्योंकि हम आज प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है कि आप नीचे आकर बैठ पाए, आप कंफर्टेबल होकर थोड़ा समय तक नीचे बैठ पाए। अगर मैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की बात करूं, तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में आसन किसे कहा गया, जिस अवस्था में आप अपने शरीर को कंफर्टेबल रखते हुए लंबे समय तक बैठ कर ध्यान कर सके, वो आसन। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप देखेंगे कि अगर आपको 5 मिनट का टास्क दिया जाता है क्योंकि चुपचाप बैठना है, खासकर बच्चों में बहुत चंचलता होती है, तो वो नहीं बैठ पाते और फिर पद्मासन और वज्रासन, ये जो आसन है, कुछ गौमुख आसन जिसमें हम पहले को दिए, इसमें भी ध्यान आपने कई योग गुरुओं को देखा होगा इस तरीके से एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रखते हुए ऐसे बैठने का वो अभ्यास रखते हैं। तो कुछ ध्यानात्मक आसन है जिनका अभ्यास करना चाहिए, उनसे आपके शरीर में दृढ़ता आती है, सशक्त तो होता है शरीर, लेकिन हमें उसमें बैठने के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं कि ऊर्जा रहनी चाहिए कि हम उतनी देर से बैठ पाए, उस आसन में रह पाए, जिसके लिए आपका मन भी स्थिर होना चाहिए, मन की चंचलता से भी आप नहीं बैठ पाते हैं। तो प्राणायाम में स्थिरता बहुत जरूरी है, आसन में स्थिरता आपके मन में और शरीर में, तब जाकर धीरे धीरे प्राणायाम से आप ध्यान की तरफ मुड़ पाएंगे। ध्यान की तरफ जाना है तो पहले प्राणायाम करना है। अष्टांग योग के बारे में आप अगर जब पढ़ते हैं, योग के 8 अंगों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरीके से 8 अंग हैं, और जिसमें से सबसे पहले यम नियम है, फिर आसन प्राणायाम, इस तरह से प्रत्याहार करना है, ये सब चीजों के प्रति अपने मुंह को छोड़ना, चीजों को छोड़ना, अपनी इंद्रियों को अपने संतुलन में प्रत्याहार करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे अंग हैं जिसमें कि आसन और प्राणायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए होता है। तो आप सभी इसको अच्छे से किया कीजिए। तो इतना मैं आपको विस्तार में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्राणायाम का जो अच्छा सही तरीका है वो नीचे बैठकर पद्मासन, सुखासन, आठ पद्मासन और भी जो आसन है स्वास्थ्य आसन, इन सब आसनों में बैठ के प्राणायाम वज्रासन में किया जाता है, जिसके लिए आंखें पैरों का सशक्त होना जरूरी है। तो आज हम इन्हीं आसनों में बैठने के लिए क्या क्या आप अभ्यास कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल बैठे और सुख का अनुभव करें। ऐसा ना हो कि मैंने आपको पद्मासन में बिठा दिया और आपका ध्यान प्राणायाम में कहाँ लगेगा, क्योंकि आपका तो पूरा ध्यान अपने पैरों पर दर्द हो रहा है, उन्हें लगा हुआ है, तो कैसे सुख की अनुभूति आप पद्मासन में करें, उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो आज के अभ्यास में मैं आप सभी से यही बताना चाह रही थी कि कैसे आपको आसन में स्थिर बैठने के लिए क्या क्या अभ्यास करने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी एक आसन, अभी फिलहाल आप कोई भी एक आसन ले लीजिए जिसमें हम बैठेंगे, और छोटी सी प्रार्थना से, आप सभी जानते हैं हम अभ्यास को शुरू करते हैं, तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। फिंगर्स को पहले इंटरलॉक कीजिए, हाथों की रेडियो को इस तरह
सामने की तरफ। श्वास लेते हुए सीधा करें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, सीधा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करें। जितना कानों के पास हाथों को खींच कर ला सकते हैं लेकर आए। यहाँ पर आपको पोजीशन को होल्ड करना है ताकि ब्रीथ को ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। आंखें चाहे तो बंद कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए, आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला। आपने हिप मसल्स ढीले छोड़ दीजिए, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स सहज। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास के लेकर है, शरीर में कैसे श्वास का आना और जाना है इसको देखिए। श्वास की गति को देखिए। श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण रखेंगे। दोनों हाथों को आपस में ला लें। ओम वसतु मा सामने खोलते हुए अपने टखनों को चलाएंगे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखकर बैठने की कोशिश किया कीजिए। और जो नहीं बैठ सकते वो इस तरीके से बैठ सकते हैं। हाथ का सपोर्ट पीछे रखते हुए पैरों को आगे पीछे चलाएंगे 15 से 20 बार काउंटिंग के साथ चलाएंगे। 1, 2 ब्रीथ नॉर्मल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों पैरों के बीच में फासला कीजिए और इन एंड आउट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से दोनों पैरों में रोटेशन स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए अपने शरीर की तरफ, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। इस तरह से इनहेल एक्सहेल के साथ और इसी तरह विपरीत दिशा में। धीरे से बीच में लाए पैरों की उंगलियों को अच्छे से दबाकर प्रेस करके ओपनिंग क्लोज करेंगे। ये भी 15 से 20 बार, 25 बार
अच्छे से दोहराना है 20 काउंट साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर अब हम एक सिंपल सा प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो मैंने आपको मलासन में बैठने का अभ्यास बताया हुआ है, मलासन में बैठना ही बैठना है आपको, कोशिश करनी है वो आपके पेल्विक के लिए, आपके हिप के जो ओपनिंग है उसके लिए बहुत अच्छा है, और कॉन्स्टिपेशन में तो होता ही है, इसके अनेक फायदे आपको होते हैं। अभी फिलहाल आप पहले ऐसे इस तरह से लेग्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपको इतना बढ़िया ये अभ्यास है, एकदम सरल अभ्यास है, आप इसको कीजिए अपने प्रैक्टिसेस में और 40-40 टाइम्स भी आप इसको कर सकते हैं। 20 काउंट्स फिर से करेंगे, अच्छे से करना है क्योंकि अभी बैठ के प्राणायाम करने वाले हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों पैरों की देखिए घुटनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। 11 12 घुटने को कहाँ लाना है, दूसरे पैर के एड़ी के पास। 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने पैरों को इस तरह से छाती की तरफ खोल कर भी आप ऐसे बैठ सकते हैं। अब यहीं से हम अगला अभ्यास रखेंगे, सामने से देखें, यहाँ पर हाफ बटन से 1 2 3 पूरा ऊपर लेकर आइए, इस तरह से लेके पूरा 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज और कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 1 2 3 4 कमर सीधी, 5 6 7 8 9 10। दूसरी पैर से भी उसी तरह, पहले हाफ बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर उठाना है ऊपर की तरफ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाफ बटरफ्लाई आपने किया, इसको किया आप क्या जैसे हमने हाफ लेग उठाया इस तरह से 1 2 3 4
कमर को जितना हो सके सीधी करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से जैसे हमने नौका आसन की भी बात की है और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोर की कोर मसल्स को भी अच्छा करना है आप, क्योंकि पूरा शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप थोड़ा देर बैठ कर आसन में बैठ पाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से आप मल्लासन में ये तो बैठना स्टार्ट करना है धीरे धीरे। ये देखिए पैरों में इस तरह पैरों के पंजे आपके बाहर की तरफ और आप इस तरह से बैठे। जब थोड़ी देर आप यहाँ पर पहले चलिए बोल्ड करेंगे और पीछे साइड से भी इस पोजीशन को देखेंगे। ये सीधा करना है, जितना सीधा आप बैठ सकते हैं। कमर को धीरे धीरे हिप्स को नीचे डाउनवर्ड इस तरह पुश कीजिए और कमर को सीधा करते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैट पर इसी तरह से चलने का अभ्यास कीजिए और या तो कौवा चालन, कैसे बताए ये 1 ऐसे एक्सेल करते जाए, इन्हेल एक्सेल नॉर्मल रखेंगे अपने अपने मैट्स पर। चलिए इस तरह से एक घुटना नीचे और एक इस तरह से बारी बारी ये टच कराना है जमीन पर। इस तरह अपने मैट्स पर थोड़ी देर सुबह सुबह चलने का अभ्यास करें। धीरे से मैट में बीच में आएंगे, तिथली आसन का अभ्यास करेंगे। बटरफ्लाई रोज करना है, शरीर जितनी आप अपने शरीर के पास पैरों को ला सकते हैं लेकर आइए, ग्रिप कीजिए। पैर बहुत नीचे नहीं जा रहे कोई बात नहीं, अगर इतना भी है तो यहीं पर मूवमेंट स्टार्ट करें। जो लोग पूरा अच्छे से बटरफ्लाई कर सकते हैं, पूरा पैरों को ऊपर नीचे चला सकते हैं, वो लोग पूरा चलाएंगे। पूरा चलाइए अच्छे से। पैर बार बार खिसक के आगे की तरफ आए, उसे पीछे लेकर जाए और वापस अभ्यास को कीजिए। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे। 10 counts only, 10 counts होल्ड करेंगे। कैसे करना है, ग्रिप कीजिए, पैरों को डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, यानी ऑपोजिट प्रेशर, पैरों को नीचे की तरफ शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे। आंखें बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं, एक बार खड़े होंगे। ताड़ासन का अभ्यास सभी करेंगे। एक बार ताड़ासन करने के बाद फिर बैठकर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, जितना सीधा कर सके हाथों को सीधा करें और वे कानों के पास लेकर आए या कानों के पीछे होल्ड करेंगे।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नाइन एट, धीरे से एड़ी भी उठा सकते हैं, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, धीरे से हाथों को नीचे ले आए, अपने हाथ में बैठ जाए। आज यहाँ पर हम कपालभाति भस्मिका अनुलोम, कपालभाति शुद्धि क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम आपको समझना होगा कि प्राणायाम यानी प्राणों को आयाम देना, प्राणों का विस्तार होना, इसमें होल्डिंग्स भी आती है, तो वो जाकर प्राणायाम में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम पहले शुद्धि क्रिया में कपालभाति करेंगे और फिर हम भस्मिका और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर कपालभाति के लिए सबसे अच्छा अभ्यास करने के लिए कौन सा आसन होता है? पद्मासन। लेकिन अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आठ पद्मासन, सुखासन, या क्योंकि थेरेपेटिक आजकल योगा हो गया है, आप योग में योग अभ्यास जो होते हैं वो आप एज अ थेरेपी यूज हो रहा है, तो वहां पर हम चेयर पे बैठ के भी कराते हैं, लेकिन आपकी चेयर बहुत बाउंसी नहीं होनी चाहिए, गतिदार नहीं और स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए जो फ्लैट चेयर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें, कर्वी चेयर्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसका ध्यान रखना है कमर सीधी रहनी चाहिए और सावधानियों में बहुत सारी सावधानियां हैं, पद्मासन लगाइए। पेट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, आपको सर्जरी है, आपका आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी मिलती है, तो आपको नहीं करना है कपालभाति, तब आप नहीं करेंगे। आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लंग्स वीक हैं तो भी नहीं करेंगे। कैटराइट का जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। कपालभाति के लिए पूरे शरीर पर अद्भुत लाभ है, इसको रेगुलर अभ्यास में लेकर आए। करना क्या है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, कैसे, आप देखेंगे मेरे शोल्डर्स नहीं हिल रहे हैं, यहाँ मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, इस तरह से नहीं करना है। आपका जो फेस है, भाव भंगिमा है, वो भी एकदम, मैंने कई जगह देखा है आप नोस्ट्रिल से ऐसे भी नहीं करना है, फेस पर आप नहीं करना है, एकदम शांत मन से अच्छे से एक्सहेलेशन पर फोकस करना है। आप शुरुआत में आपका टमी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मल शुद्धि अच्छे से नहीं हुई है तो नहीं होगा, कपालभाति मल शुद्धि के बाद ही करना है। अगर मल शुद्धि नहीं होती है तो आप कपालभाति को अवॉइड कीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे पहला चक्र, श्वास भरें छोड़े एक साधारण श्वास, फिर से भरेंगे, शुरू करें, एक्सहेल करें, ब्रीथ नॉर्मल करें, शहद
श्वास भरिए और छोड़े। एक बार कपाल भाती के बाद, क्योंकि आपका पंपिंग है, आपके पेट की उधर की मांसपेशियों की आप पंपिंग कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं बार बार, तो उसमें मूवमेंट होता है, पंपिंग होती है इस तरीके से। तो एक बार आपको क्या करना है, पूरा श्वास पेट में भरना है, रोकना है, इसको बंद लगाना बोलते हैं, ध्यान रखिए पूरा भर के है श्वास को, भर के दो तरह से बंद लगाया जाता है, एक पूरा श्वास बाहर करके, एक पूरा श्वास भीतर भर के। तो अभी हम पूरा श्वास भीतर भरेंगे और होल्ड करेंगे, शुरू करें। होल्ड कीजिए, अंदर देखिए पेट पूरा अंदर चला जाएगा, हल्का सा टमी को इन करेंगे, पूरा पेट आपका स्पेस हो गया अंदर की तरफ। दूसरे चक्र के लिए अपने आप को तैयार करें, दूसरा चक्र करेंगे। एक बार साधारण श्वास भर के छोड़ेंगे और फिर श्वास भर के फिर शुरू करें। चलिए साधारण श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, शुरू करें। पूरा एक्सहेल करते हुए श्वास को सहज कीजिए, लंबा श्वास भरे और छोड़े। एक बार फिर से पूरा श्वास उधर में भरेंगे और होल्ड करेंगे और फिर बाहर करेंगे। इनहेल, होल्ड, होल्ड करें, धीरे से एक्सहेल। ये आपका हो गया कपालभाति का अभ्यास हो गया। धीरे से अपना पद्मासन खोल लीजिए और पैरों को आगे की तरफ खोलते हुए इस तरह से आपस में शेक कीजिए, लेग्स को शेक कर लें। ज्यादा देर की पोजीशन में बैठने में शुरुआत में पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाती है तो आप लंबा समय बैठते हैं आपको पता नहीं चलता। इस तरह से लेग्स को शेक कीजिए ऐसे। अगला अभ्यास हम भस्त्रिका का अभ्यास करने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे होगा, अभी देखिए शुरुआत में हम जब सिखाते हैं, मैंने बहुत सारे अपने सेशंस में आप लोगों को चेस्ट में श्वास भरना, शुरुआत बिल्कुल अर्ली स्टेज होता है, तो हम पूरा चेस्ट में श्वास को भरते हैं। छोड़ते हैं, इनहेल, एक्सहेल, लेकिन धीरे धीरे हम उधर तक श्वास को लेकर जाते हैं, पहले उधर से भरते हैं चेस्ट तक, देखेंगे कैसे। भस्त्रिका क्योंकि गतिशील
गति के साथ होता है। और यहाँ पर कुंभक जो हम कहते हैं होल्डिंग कैसे होती है, जब आप अच्छा भस्त्रिका करने लगते हैं तो स्वतः ही कुंभक लगता है, जो सबसे उत्तम कुंभक माना गया है कि बहुत देर तक आपका न श्वास लेने का मन करता है ना छोड़ने का, लेकिन वो स्थिति तब बनेगी जब आप इसमें लंबा अभ्यास रखेंगे। तो पूरा पेट से जैसे देखेंगे कि इसमें स्पीड का भी बड़ा महत्व है, लेकिन हाई बीपी के पेशेंट हो गए, जिनको हाई बीपी का इशू है उनको नहीं करना है, लंग्स वीक है नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा आगे का लेवल लेके चल रहे हैं, यानी स्पीड के साथ इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन है और हैंड पोजीशन के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले हैंड पोजीशन के साथ भी इसको सीखा हुआ है। चलिए ठीक है, अगर हम एक बार हैंड पोजीशन के साथ करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में या करने में आसानी रहेगी। उसके बाद सेकेंड राउंड में हम से करेंगे भस्त्रिका जो है ये आपके नोजल ट्रैक को नेजल ट्रैक को पूरा क्लीन करता है विद एयर, इसीलिए इसको कहीं कहीं वात रेती के नाम से भी हम जानते हैं, इसे वात रेती भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो वात रेती वात रेती यानी एयर के थ्रू अपनी ट्रैक को क्लीन, ड्राइनेस भी आ जाती है शुरू शुरू में, कई बार आपको सेंसेशन होंगे नोज में तो आप उसके लिए ऑयलिंग करें, रात को पहले ऑयलिंग कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप अच्छे से अभ्यास करें, गर्मियों में कम कीजिए सर्दियों में ज़्यादा। हाथों की पोजीशन इस तरह से टीवी मुखिया बनी हुई कंधों के आसपास, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से 20 आवृत्तियां एक साथ करेंगे, शुरू करेंगे मन को दूसरे चक्र के लिए तैयार। दूसरा चक्र करेंगे, अब की बार हम हैंड पोजीशन के साथ नहीं कर रहे हैं, पूरा श्वास भरना और छोड़ना है गति के साथ आवाज के साथ। एक बार देखिए कैसे करना है, इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन शुरू करेंगे। शरीर में होने वाले हलन चलन को बदलाव से देखें और धीरे से कोई भी एक आरामदायक सुखासन पद्मासन जिसमें आपको आप थोड़ी देर बैठ पाए उस आसन में आप बैठ जाए,
यहाँ पर अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करने वाले हैं। भस्त्रिका के बाद भस्त्रिका करके नहीं छोड़ना है। गर्मी के मौसम में खासकर भस्त्रिका के बाद शीतकारी कराया जाता है। यहाँ पर हम शीतकारी करके दांतों को इस तरह आपस में मिला लीजिए, ऐसे इनहेल करना है, ऐसे दांतों के बीच से एयर को लेना है, इस तरह से चिन ब्लॉक लगाना है और फिर धीरे धीरे नोस्ट्रियल से श्वास को बाहर करना है। देखेंगे कैसे। और फिर धीरे से नोस्ट्रियल से बाहर करेंगे। चलिए एक बार इस अभ्यास को साथ में कर लेंगे। दांतों को आपस मिलाएं इस तरह से। होल्ड करके रखें और धीरे से नोस्ट्रियल से एक्सहेल। अब अगले अनुलोम विलोम के लिए हम फोर राउंड का अनुलोम विलोम का करने वाले हैं। पांच की काउंटिंग के साथ हम करेंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से। राइट नोस्ट्रियल को बंद करना है, लेफ्ट से करना है, इसको सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को यहाँ तक जो लोग पेशेंट हमारे बेड पर होते हैं हम उनको ही कराते हैं, तो ये सबके लिए ही लाभदायक है। और लंबा धीमा गहरा श्वास भरना है बिना आवाज। राइट नोस्ट्रियल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, रोके, दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोके, बाएं से छोड़े। बाएं से श्वास भरें, रोके, दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोके, बाएं से छोड़े, बाएं से श्वास भरें, रोके, दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोके, बाएं से छोड़े। अंतिम चक्र करेंगे, बाएं से श्वास भरें, रोके, दाएं से छोड़े, दाएं से श्वास भरें, रोके, बाएं से छोड़े, धीरे से हाथों को नीचे लाएं, आंखें बंद ही रखें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
करें। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, वापस आएंगे। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप इतना भी देखें रोज नीचे बैठने की हैबिट आ रही है, मलासन में बैठे, काग आसन करें, कौवा चालन करें, आपके शरीर में जो आप सहजता है उसका अनुभव बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उठने बैठने में जो आपकी सहजता आएगी उसके बाद आपको स्वतः ही अच्छा लगेगा। तो अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना है, योग का डेली डोज है, रोज कुछ ना कुछ इसमें सरल और प्रभावशाली रहता है। जुड़े रहें और अभ्यास करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।